हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्ट एक हमने पढ़ लिया था, उसका संदर्भ प्रसंग भी हमने जान लिया था। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिलेगा। कक्षा 10वीं MP बोर्ड नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। उसमें दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसमें हमने आपको बताया है ना, अच्छे से संदर्भ प्रसंग आपको बताया है, वो समझ लेना पहले, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर को करेंगे। पार्ट एक है हमारा भक्तिधारा का, वात्सल्य भाव और स्तुति खंड, दोनों के हम प्रश्न उत्तरों को करेंगे। और इस साल मैं आपको बता देता हूँ, जो स्तुति खंड जायसी ने लिखा है उस पाठ को इस साल के लिए हटा दिया गया है। इस कारण से मैं आपको बता दूंगा कौन से प्रश्नों को आपको याद नहीं करना है, कौन से प्रश्नों को आपको याद करना है इस साल के लिए, है ना, 2020-21 वाली परीक्षा के लिए आपको बता दूंगा मैं। हम पढ़ेंगे सारे, लेकिन पढ़ेंगे सारे ही, तो आप बने रहें, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें। देखिए पहला प्रश्न, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? जो इस साल प्रश्न है उसको मैं इस तरह से टिक करूँगा, बाकी को नहीं करूँगा जो इस साल नहीं है। तो पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? गूंगा व्यक्ति, इतना याद रखना है आपको। बाकी आपको क्वेश्चंस करना है, आपको हटाना है लेने वाला कौन है। तो पद में मीठे फल गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद लेने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है? अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। अगला देखिए, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? पारस लोहे को सोना बना देता है। जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि किससे की है? अब देखिए, मैंने इसको टिक नहीं किया है, मतलब ये आपका इस साल के लिए हटा दिया गया है, अगले साल तो रहेगा। जायसी के अनुसार इस संसार की सृष्टि ईश्वर ने की है। ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया? तो ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को स्वस्थ शरीर व औषधियाँ दी है। अगला देखिए, स्तुति खंड में जायसी ने कितने दीपों और बहुनों की चर्चा की है? तो 7 दीपों तथा 14 बहुनों की चर्चा की है। लघुत्तर प्रश्न की बात करेंगे हम, इसमें भी हम देखेंगे कौन से प्रश्न आपको नहीं याद करना इस साल, है ना। हम बात 2020-2021 की बात कर रहे हैं, है ना, इस साल आपकी परीक्षा होने वाली है उसकी बात कर रहे हैं। अगले साल आपका ये रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन इस साल की हम स्पेशल बात कर रहे हैं। सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ कर क्यों माना है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, सूरदास ने है ये प्रश्न, ठीक है। इस साल सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ कर माना है, क्योंकि सगुण ब्रह्म साकार रूप रंग युक्त होता है, उसे हम देख सुन सकते हैं, जबकि निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप रंग रहित है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, अतः इसकी उपासना अधिक कठिन है। दूसरा, गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है? गूंगा व्यक्ति फल के स्वाद का अनुभव अनुभूति के द्वारा करता है, अंदर ही अंदर वह सुख अनुभव करता है, किंतु बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ? कुब्जा अत्यंत कुरूप स्त्री थी, भगवान के शरण में जाने से उसका उद्धार हुआ। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खल कामी क्यों कहा है? सूरदास ने स्वयं को कुटिल खल कामी इसलिए कहा है क्योंकि उनका मन विषय वासना में लिप्त हो गया है, मन में छल कपट भर गया है, राक्षस प्रवृत्ति आ गई है। अगला प्रश्न देखिए, अब इसमें मैंने टिक नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये इस साल के लिए हट गया है। जायसी ने किसका स्मरण करते हुए कथा लिखी है? तो जायसी ने संपूर्ण सृष्टि के रचिता ईश्वर का स्मरण करते हुए कथा लिखी है। उनका मानना है कि ईश्वर ने ही संपूर्ण प्रकृति की रचना की है। पशु पक्षी मानव मानवी भाव मानवी उद्वेग धरती आकाश सभी उस ब्रह्म स्वरूप की देन है। कवि उसी का स्मरण करते हुए स्तुति खंड की रचना करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं? तो
तो जायसी के अनुसार परमात्मा ने राजा रंक, भिखारी अमीर, ठाकुर दास, वीर डरपोक, सुखी दुखी विभिन्न प्रकार के मनुष्य बना है। कोई राजा है जिसके पास राजविलास है, तो कोई रंक है जिसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है। कोई बहुत सुखी है तो कोई बहुत अत्यंत दुखी है। सभी ईश्वर की देन है। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न हमारा पहला रहेगा और मोस्ट है, ये आएगा है ना, है इस साल। सूरदास ने किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है? तो सूरदास ने ईश्वर को समदर्शी कहा है क्योंकि वे गुणी अवगुणी, दुर्जन सज्जन, धर्मी अधर्मी सभी को समान रूप से देखता है, बिना भेदभाव किए सभी का उद्धार करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पारस लोहे को, चाहे वो पूजा घर में रखा या बदिक के घर पर, पारस उसे सोना बना देता है। जिस तरह नदी नाला दोनों के मिल जाने से पवित्र नदी बन जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर गुणी अवगुणी दोनों में भेद किए बिना दोनों का क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, देखिए निर्गुण एवं सगुण भक्ति में क्या अंतर है, ये आता है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। निर्गुण ब्रह्म निराकार अगम अगोचर होता है, उसे ना देखा जा सकता है ना अनुभव किया जा सकता है। वे रूप रंग रहित होता है, अतः उसकी स्तुति कठिन है। इसके विपरीत सगुण ब्रह्म रूप रंग गुण युक्त होता है, उसे देखा जा सकता है, वे साकार है, उसे अनुभव किया जा सकता है। वे अगम अगोचर नहीं है, उसकी उपासना आसान है। लास्ट वाला प्रश्न देखिएगा, इस पाठ का हमारा लास्ट प्रश्न है, ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण कितने रूपों में किया है, वर्णन कीजिए। ये इस साल नहीं है, ध्यान रखिएगा है ना, लेकिन आपको पढ़ना है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण अनेक रूपों में किया है, उसी ने धरती, स्वर्ग, आकाश, पाताल आदि बनाए हैं, 7 दीप, ब्रह्मांड, 14 भवन, दिन रात, सूर्य चंद्रमा, धूप छांव, बादल बिजली सभी उसी की देन है। नदी नाले, पशु जीव, वन, जड़ी बूटी सभी उसी ने बनाए है। मानव को मानवीय भावनाओं, मानवीय उद्वेगों को जन्म उसी ने दिया है, संपूर्ण प्रकृति उसी की देन है। ये आपके सारे प्रश्न हो गए दोस्तों, एक ही वीडियो में हमने आपको पार्ट एक कंप्लीट करवा दिया। पार्ट का नाम है भक्तिधारा। भक्तिधारा के अंतर्गत आपके 2 पार्ट आते हैं, एक तो कौन सा, विनय के पद जो सूरदास ने लिखा है, और दूसरा आता है स्तुति खंड जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एक, और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना आप, ताकि वो भी पार्ट एक को कंप्लीट कर ले, क्योंकि अब परीक्षा आने में, आपकी वार्षिक परीक्षा आने में ज़्यादा समय नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को ऑल पर कर लो, जिससे लेटेस्ट वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।